नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लोन सेटलमेंट करने से क्या आपके सिबिल स्कोर में सेटल्ड शो होगा या नहीं होगा। दोस्तों बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं कि लोन सेटलमेंट करें कि नहीं करें, लोन सेटलमेंट करने का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। दोस्तों अगर आपने कोई भी लोन लिया है, चाहे वो सिक्योर हो चाहे वो अनसिक्योर हो, किसी भी बैंक से लिया है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो NBFC कंपनी हो चाहे वो कोई भी नेशनलाइज बैंक हो, आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आपके पास पैसा नहीं है, आप चाहते हैं सेटलमेंट करना लेकिन आपको ये भी डर होता है कि आपका सिबिल स्कोर कहीं ख़राब ना हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि क्या सेटलमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जब आप YouTube पे वीडियो सर्च करते हैं तो कुछ ऐसे वीडियोस आपको दिखाई देते हैं जो ये दावा करते हैं वो यूट्यूबर कि आपका लोन सेटल्ड होगा तो आपके सिबिल स्कोर में आपका सेटल्ड शो नहीं करेगा। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं बड़े बड़े YouTube चैनलों के माध्यम से, तो इसमें कितनी सच्चाई है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आप भी समझने की कोशिश करिएगा और फैक्ट आप जा करके चेक कर सकते हैं। अगर किसी ने भी आपके रिलेशन में कोई भी रिश्तेदार या फिर कोई दोस्त यार कोई भी अगर उसने अपने लोन का सेटलमेंट कराया है तो फिर आप उनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आपने अपने किसी भी लोन का सेटलमेंट कराया तो वो आपके सिबिल स्कोर में शो करेगा, आपके पैन कार्ड पर शो करेगा। दोस्तों देखिए, हमेशा से हम कहते आए हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि आपके पास अगर पैसा है तो बैंक का पैसा दे दीजिए, नहीं तो इसमें आपका नुकसान होगा। सेटलमेंट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपका फाइनेंशियल डेथ हो जाता है, यानी कि आपको आर्थिक रूप से आपकी मृत्यु हो जाती है, जीवन में आपको दिक्कतें आएंगी और भविष्य में आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम होगी। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, फुल प्रूफ के साथ मैं कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिबिल स्कोर में ये शो नहीं करेगा क्योंकि आपके एक गुरुजी ने या फिर एक ऐसे यूट्यूबर ने उन्होंने बताया है जो कि ये दावा करते हैं कि लोन सेटलमेंट करने से आपके सिबिल में कोई भी नुकसान नहीं होगा, कभी भी वो शो नहीं करेगा, तो आप अपने किसी भी रिश्तेदार दूर दराज के कोई भी दोस्त यार अगर उन्होंने कोई लोन लिया है और अपने लोन को सेटल्ड कराया है तो आप उनसे पूछ सकते हैं उनका पैन कार्ड नंबर, और आप जा करके सिबिल स्कोर के www.sibilscore.com एक यह वेबसाइट का URL नंबर है, आप इसको गूगल पे स्वयं चेक कर सकते हैं। किसी के भी अकाउंट का सेटलमेंट अगर हुआ है तो उनका पैन कार्ड नंबर लेकर के आप डाल करके देख सकते हैं, और गूगल पे भी जा करके पढ़ सकते हैं सिबिल स्कोर कंपनी के रूल्स एंड नियम्स के बारे में कि सिबिल स्कोर कब डाउन होता है, सेटलमेंट कराने से क्या डाउन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मिसगाइड लोग कर रहे हैं। देखिए सेटलमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका लोन अगर सेटल्ड होता है तो आपका अकाउंट सेटल्ड शो करेगा ही करेगा, वह कभी भी क्लियर शो नहीं करेगा। दूसरी बात जो हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताने वाले हैं वह यह है कि आपको बैंक से NOC नहीं मिलेगा अगर आपने सेटलमेंट कराया। बैंक कभी भी NDC नहीं देगा, यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं देगा। NDC नो ड्यूज का ही मतलब ये होता है कि कोई भी बकाया नहीं है। अब 10 लाख रुपए के लोन का सेटलमेंट अगर बैंक ने 6.5 लाख में कर दिया तो 3.5 लाख रुपए बैंक का नुकसान हुआ, तो वो आपको NDC नहीं देगा। इस नो ड्यू सर्टिफिकेट का ही मतलब होता है कि दूसरा बैंक आपको लोन देगा, यानी कि आपके पहले बैंक से जहाँ से आपने लोन लिया है अब वहाँ से आपकी सारी देनदारियाँ खत्म हो गई हैं, आपका सिबिल स्कोर 750 से 800 के बीच में है और अब नया बैंक आपको लोन दे देगा इस NOC के बदौलत। लेकिन जब आप सेटलमेंट कराते हैं तो आपके सिबिल स्कोर में ये 7 साल तक, यानी कि 7 वर्षों तक ये शो करता रहेगा।
कोई भी नया बैंक आपको लोन देने से कतराएगा क्योंकि यहाँ पे आपने सेटलमेंट करा लिया। तो सेटलमेंट कराने से एक निगेटिव पॉइंट ये भी बैंकों के मन में हो जाता है कि आपने उनका पैसा नहीं दिया तो हमारा पैसा कैसे देंगे। तो हमेशा से याद रखिए कि लोन सेटलमेंट कराना अच्छा होता नहीं है, बिल्कुल ख़राब होता है, फाइनेंशियल डेथ हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे बार बार कहते हैं कि अगर पैसा नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि भविष्य में हमें कभी और लोन नहीं लेना है, किसी भी तरीके से पहले इस समस्या से हम निपट जाएं, उबर जाएं, उसके बाद भविष्य की चीज़ें हम देखेंगे कि हम पैसा बाजार से किसी दूसरे व्यक्ति से उधार ले लेंगे, अपने रिश्तेदारों से उधार लेंगे, लेकिन बैंक से नहीं लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप सेटलमेंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप यंग हैं, यंग इन्वेस्टर्स हैं, यंग बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप स्टार्ट किया है, फंड की व्यवस्था करनी है, अभी अभी आपने एजुकेशन कंप्लीट किया है, एजुकेशन लोन लेकर के भविष्य में आपकी योजनाएं हैं कि खुद का कोई बिजनेस हो, तो ऐसे कंडीशन में आप सेटलमेंट ना करें तो ही बेहतर है। हमारी पर्सनल राय आपसे यही है, क्योंकि आज के समय में सिबिल स्कोर को हर जगह मैंडेटरी कर दिया है, चाहे वो किसी भी एचआर इंटरव्यू हो, चाहे वो आपने स्टार्टअप किया हो और आपने किन्हीं कंपनियों से फ़ंड के लिए अप्लाई किया हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके सिबिल स्कोर को भी ध्यान में देखा जाता है। आपके मार्केट में आपकी वैल्यू और आपका जो गुडविल है वही आपकी संपत्ति है, वही आपकी पूंजी है। तो ऐसे लोगों के बातों में आकर के अगर आप सेटलमेंट करते हैं और कहते हैं कि सिबिल स्कोर में यह शो नहीं होगा, तो यह गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप जाकर के गूगल पे ऐसे रिपोर्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, वेबसाइट्स बहुत सारी हैं, वो आपको ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जो आपको बता देंगी कि लोन सेटलमेंट से फाइनेंशियल डेथ होती है। तो बहुत ही सोच और बहुत ही समझदारी के साथ आप अपने किसी भी लोन का सेटलमेंट कराएं। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दे करके अपना लोन सेटलमेंट मत कराइए, लोन को सही समय पे भर करके बैंक से एनओसी ले करके और आप दूसरे बैंक से फिर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपने भी किसी भी बैंक से कोई भी लोन लिया है, कोई भी समस्या आ रही है लोन से संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और घर बैठे ही लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, नमस्कार।